when you are planning to go back to home? No plans. No plans. This trip, no plans. Because after both left your home 23rd of 28 March. Are you married or not? March or married? Married. So how March are you married? Kids. Two kids. 28 March or Feb. We'll be 6 months ago. April, May, June, more than 3 months. Junaid bhai ki same. बिफोर लॉकडाउन आई डिड साउथ इंडिया ओके आफ्टर रीच कोची Then lockdown. Lockdown start. One year full lockdown. Now one year at home only. तो अभी आपने जो भैया को देखा ना वो मार्च 28 से निकले थे बाहर और अभी भी जाने का कोई प्लान नहीं है कि कब जाएंगे वापस घर पे. अभी मार्च से अभी 2 महीना वो धर्मशाला रह के और अभी लद्दाख का राइड कर रहे हैं. अपने साथ ये हिमालयन है उनके पास. हाँ तो है ही भाई. मार्च 28 से निकले हैं और आप हमें दिल्ली से निकाल के आज दूसरा दिन हो गया. अभी मनाली नहीं पहुंचे. गलती मेरी नहीं है. मैं तो गलती है भैया. कैसे गलती है? नहीं एक मिनट. अगर स्टूडेंट फेल होता है ना तो टीचर की गलती होती है. तो लीड आप कर रहे हो. आपकी गलती है. कम नहीं मेरी गलती नहीं है. मैं तो आगे भगाता हुआ निकला था. कल क्या बोल रहा था? मेरा पेट खराब है. मेरा पेट तो बिल्कुल सही था. पेट मेरा सही था. मेरे कंधे पे शोल्डर हो रखा है. ये सब तो चलती रहेगी. अभी यहाँ से है मनाली 98 किलोमीटर. तो अभी फटाफट ना. हाँ 98 किलोमीटर नॉनस्टॉप. ढाई घंटे का रास्ता नॉनस्टॉप. इनसे बोलो लगाकर दिखाए. मैं ढाई घंटे लगातार लगा लूंगा. बट बाकी के भी लोग लगा लेने चाहिए. बाकियों से नहीं मतलब मैं लगा दूंगा. मैं भी लगा दूंगा. ये रहा अपना स्टॉप और लंबा स्टॉप रहा. 1.5 घंटा हम बैठे. बहुत मज़ा आया. लिटरली काफ़ी सारे नए फ्रेंड्स बने. नंबर एक्सचेंज हुए. इंस्टा आईडी एक्सचेंज हुई और मज़ा बहुत ज़्यादा. मैं अब लिटरली पछतावा हो रहा है मुझे कि मैं पिछली बार मनाली आया तो इस रोड से क्यों नहीं आया. क्योंकि ये रोड बहुत मस्त है. सीन्स एकदम ज़बरदस्त. अभी हम मैं आपने देखा ऑलरेडी वो भाई केरला से हिमालयन ड्राइव कर रहे हैं. वो मार्च 28 को अपने घर से निकले थे. तो अभी 2 महीना पीछे धर्मशाला में थे और अभी लद्दाख जा रहे. मैंने उनको लिटरली एक ही शब्द पूछा, आप घर कब जाओगे? उन्होंने बताया क्या जवाब दिया? अभी प्लान ही नहीं है. मीन्स अनप्लान राइड्स ना काफ़ी अच्छी हो जाती है. मैं जिस पहाड़ों को आपको दिखा रहा था ना सिनेमेटिक्स में, वो पहाड़ों के टॉप पे है और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है. मैं ज़्यादा नज़ारों पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज रास्ते अच्छे हैं. इनफैक्ट रास्ते हैं ना वो ही बहुत बड़ी बात है. क्योंकि इन पहाड़ों पे रास्तों और इतनी एल्टीट्यूड पे रास्ते हैं. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. अच्छे हैं कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं. तो मैं ज़्यादा ना सीन्स दिखाने में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज रोड्स आप देख पा रहे हो. कोई भी अचानक से कभी भी आ सकता. आप ये सोच लो ये पूरा का पूरा ब्लाइंड टर्न है और सामने खाई. यहाँ पे हमें बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा. अभी तो जैसा कि मेरे को मलिक भाई बताया ना, अभी ये स्टार्टिंग है. इससे भी ख़तरनाक रास्ते आने वाले हैं. इससे भी ख़तरनाक. सोचो अब इससे ख़तरनाक क्या हो सकता है. रोड्स देख लो आप कितनी विड्थ है रोड की. अभी देखना अगर फ्रंट से एक भी गाड़ी आ गई ना तो मेरी कैसी बैंड बजेगी. प्लस ओवरटेक करना बहुत मुश्किल. देखना अब फ्रंट से आई. अगर इसमें थोड़ा भी ध्यान हम अपना नीचे रहा ना तो सीधी बूम. फाइनली डिसेंट भी स्टार्ट हो गया है. वैसे तो डिसेंट काफ़ी पीछे से स्टार्ट हो गया था. अब नीचे की ओर वापस उतर रहे और मनाली जस्ट यहाँ से अब होगा 50-60 किलोमीटर्स बिकॉज कुल्लू हम पहुँचने वाले हैं कुछ पलों में. तो आप हवाएं ना अब तो एकदम ठंडी हो गई. अब वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है. धूप कितनी भी हो बट मैटर नहीं करती क्योंकि हवा एकदम ठंडी है. एकदम ठंडी हवाएँ हैं. पैराग्लाइडिंग पिछली बार ना नहीं कर पाए थे ड्यू टू वेदर बट इस बार ना पैराग्लाइडिंग नहीं मिस होना चाहिए भाई. इस बार तो पैराग्लाइडिंग करेंगे. सो अभी हम ना कुल्लू पहुंच चुके हैं और कुल्लू में जो राफ्टिंग मैंने पीछे जस्ट देखा, राफ्टिंग एकदम जोरों शोरों से चल रही है.
तो इस बार ना अपना ग्रुप भी बड़ा है राफ्टिंग में, इस बार कमाल होने वाला, कमाल धमाल सब कुछ होने वाला है। और प्लस इस बार ना हम आए हैं समर में, वैसे तो समर ही बोल लो पर यहाँ के लिए तो समर होता ही नहीं है, तो समर में आए हैं ना तो अपने को मज़ा आने वाला है। मीन्स पिछली बार जितना एक्सट्रीम लेवल का नहीं होगा, बट अभी पानी ठंडा होगा, बट पिछली बार वाला टेम्परेचर नहीं होगा भैया। हम -3 -4 डिग्री में हम कुल्लू में अपनी भजवा रहे थे, बताओ। बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है अभी मनाली में, पूरा मनाली पैक है, होटल्स नहीं मिल रहे हैं। बट अपना होटल तो पहले से हमने बोल रखा है तो होटल के तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप रास्ते भर अपने को ट्रैफिक मिलने वाला है। यहाँ पे ना ये एक प्रॉब्लम है, कभी भी एक लेन बंद हो जाता है दूसरे लेन में ही सारे डाइवर्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि जनरली ये देख रहे हो आप पहाड़ पूरे टूट टूट के पत्थर गिरते हैं रोड्स पे, सीधी सी बात है बंद हो ही जाएगा ना। बाकी अब यही रोड है जो हमें ले जाएंगे मनाली। मैंने कल शाम से इस बाइक को 60-70 से ऊपर में ले नहीं जा पा रहा था क्योंकि रोड्स नहीं थे। अभी यहाँ पे देखो रोड्स कितने मस्त है, और नज़ारों के साथ साथ इसी नज़ारों में हमने की राफ्टिंग। पानी आज भी चिल्ड था बट वो ठंड पानी मीन्स उतना ठंडा नहीं था जितना हमने नवंबर में किया था, थोड़ा सा कम था लेकिन अभी भी पानी ना ठंडा था क्योंकि ऑलरेडी बर्फ़ के पानी पिघल के आ रहे, तो ठंडा तो होगा यार, सीधी सी बात है। तो अभी मैं हम सीधा निकल रहे हैं राजभाई के होटल पे, LTI हॉस्टल एंड कैफ़े, डायरेक्ट वहीं पे स्टॉप लेंगे बिकॉज अब यहाँ से है 48 या 47 किलोमीटर्स अराउंड, तो ऑलमोस्ट एक घंटा लगने वाला है अपने को। एक घंटा में हम होंगे मनाली में और मिलते हैं आप सीधा होटल में, मैं आपसे मिलता हूँ। और अगर कुछ ऐसे सीन्स आएंगे ना तो हम देखते चलेंगे और दिखाते भी चलेंगे। सो फाइनली वी आर इन मनाली। इतना लंबा सफ़र के बाद हम आखिरकार मनाली पहुँच गए, और इस बार का सफर ना एकदम बिना मैप के चल रहा है। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो कल रात को पहुँचे हम यहाँ पे और रात का स्टे काफ़ी मज़ा आया, और ये मुझे वही यादें आ रही है जो मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने इसी बालकनी से और इसी रूम से ना व्लॉग भी किया था। यही नज़ारे थे लास्ट व्लॉग में भी, बट डिफरेंस ये था ना कि थोड़े स्नो थे, आज वो नहीं है। बट अभी का प्लान ऐसा है कि आज हम मनाली में स्टे कर रहे हैं, आज निकलने वाले थे बट नहीं निकले क्योंकि राज भाई ना कल बहुत मीन्स रात को लेट हो गया उनको आते आते, तो काफ़ी दिनों बाद आए तो थोड़ा मुलाकातें भी हो जाए, वरना हमें आज सुबह निकलना था 5 बजे बट वो नहीं हो पाया। तो आज का डे हम मनाली में स्टे कर रहे हैं, और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे मनाली मॉल रोड पर क्योंकि थोड़े बहुत सामान लेने हैं राइडिंग के रिलेटेड। और ऊपर अगर जाते हैं ना तो ठंड, जैसा कि अभी एक ग्रुप ऑलरेडी कल ही आया तो हमने उनसे भी पूछा, बट इतनी ठंड नहीं है तो चलेगा, बट हम फिर भी तैयारी करके जाएंगे अपनी पूरी की पूरी कि अगर ठंड हो भी ना तो कोई प्रॉब्लम ना हो अपने को।